योग की साधना में क्रमशः प्रवेश करेंगे। सभी के पास पेन और डायरी है और मकसद है इन 7 दिनों में पूरी योग विद्या को आत्मसात करना। ये पहला अभ्यास है, लंबे लंबे सांसों के साथ अभ्यास होगा। योगिक जोगिंग के 12 है पोज, फिर इसके बाद सूर्य नमस्कार के 12 है अभ्यास, फिर 12 है दंड 8 बैठक। ये 3 चरण होंगे व्यायाम के। व्यायाम की शर्त है, उसका नियम है, लंबे लंबे श्वासों के साथ यथा सामर्थ्य करना है योगाभ्यास। व्यायाम का विशेष लाभ होता है शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडोल, आकर्षक बनाने के लिए। भगवान की सबसे बड़ी देन है ये हमारा देह। ये प्रथम अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास में दोनों हाथ खोल देते हैं, ऊपर तक पूरे हाथ सीधे, और पैर की एड़ी पीछे कोशिश करें कि कुल्ले से लगे। लंबे लंबे श्वास चलते रहे। व्यायाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, सूचनाएं और व्यायाम से संबंधित विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान दोनों की को एक साथ हमें आत्मसात करना है। ये दूसरा अभ्यास ऐसे जिसमें हाथ पैर पूरे खुलते हैं। पहले में हमने प्रारंभ किया, दूसरे में पूरी तरह से हाथ पैर खुल गए, तीसरे में दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में, घुटना उठा और छाती से लग गया। व्यायाम जब प्रारंभ करते हैं तो थोड़ा शरीर में पीड़ा होती है, मस्कुलर पेन होता है थोड़ा, लेकिन करीब 5-7 दिन में ये दर्द होना बंद हो जाता है। फिर शरीर की ट्यूनिंग परफेक्ट हो जाती है ना। फिर ऐसे थोड़ा तेजी से किया, फिर चौथे में घुटनों के लिए। 100 साल तक अपना शरीर अपना साथ देना ये जरूरी है। ये शरीर, ये इंद्रिया, ये मन, ये साधन है सब हमारे, साध्य है सभी भीतर की कमजोरियों, दुर्बलताओं, पराधीनताओं से, अपूर्णताओं से मुक्त होकर पूर्णता को पाना। जब जीवन के भीतर की सारी पराधीनताएं, दुर्बलताएं, कमजोरियां, भीतर के सारे क्लेश, भीतर की सारी वासनाएं दग्ध हो जाती हैं, हम निष्काम और निर्लोभ हो जाते हैं, तो योग हमें सहज सिद्ध हो जाता। सहज योग, सहज समाधि, जीवन मुक्ति, यही है मोक्ष। 4 के बाद अब 5 और 6 अभ्यास, पैरों को और स्वस्थ, सुंदर सुंदर, सुडोल, आकर्षक बनाने के लिए। देखो आधा तो सब कर पाएंगे, लंबे लंबे श्वास चलते रहेंगे, आधा सबको करना है, और जो पूरा कर पाए तो बैठ जाए पूरे, और बैठ के फिर उठ जाए, एक ट्यूनिंग आ जाएगी। अभ्यास के बाद प्रारंभ में थोड़ा कष्ट होगा, जवानों को तो ऐसा शरीर का अभ्यास करना ही चाहिए, शरीर में इतनी लचक होनी चाहिए, और फिर इसको हम मेंटेन करके रख सकते हैं 100 साल तक। तो मैं कह रहा था व्यायाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, लंबे लंबे श्वासों के साथ, पिछला पैर सीधा, दाहिने पर बैठने की कोशिश करते हैं, श्वास अंदर,
करीब 20 मिनट का तेज व्यायाम जो व्यक्ति करेगा, उसको कभी जिंदगी में मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और केमिकल सॉस हार्मोन्स के इंबैलेंस, विटामिन्स की डेफिशिएंसी और बहुत सी ऐसी शरीर की विकृतियां, वो उनसे सदा मुक्त रहेंगे। शरीर चक्र ठीक चलेगा, जीवन चक्र ठीक चलेगा। जैसे सृष्टि का एक चक्र है और वह कभी भी नियमों का अतिक्रमण नहीं करती है, ये सृष्टि, ये सारा हमारा सहस्तित्व, ये ब्रह्मांड, ये सारी समष्टि अपने नियम में बंधी हुई है, ऐसे ही जब हम योग अभ्यास करते तो हमारा जीवन चक्र, हमारा शरीर चक्र ठीक दिशा में चलता है। व्यायाम से, आसनों से, प्राणायाम और ध्यान से, योग से। सात के बाद आठवां अभ्यास, अस्मा भवतो नस्तनोः। हमारे शरीर वज्र की भांति होने चाहिए, वेद भगवान कहते हैं। लंबे लंबे श्वास भरो, साइड में पूरा झुको। ये आठवां अभ्यास, त्रिकोणासन, नीचे हाथ टखने के पास, ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, ऐसे जाना चाहिए साइड। ऐसे एक लय और के साथ, एक रिदम के साथ, एक तन्मयता, एक तानता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ योग अभ्यास करना है, क्रॉस करके। व्यायाम के द्वारा पहले ही दिन अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, पहले ही दिन से स्वास्थ्य में सुधार प्रारंभ हो जाता है और एक सप्ताह में आपके शरीर में परिवर्तन दिखने लगता है। 3 महीने में जैसे चाहो वैसे शरीर को आकार दे सकते हो और 9 महीने में तो आप सर्वांग सुंदर बन सकते हो, माने आपके फिटनेस, आपके फिगर्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि लोग एक आदर्श के रूप में आपको देखने लगेंगे कि भाई शरीर हो तो ऐसा, वाणी व्यवहार जीवन हो तो ऐसा, आचरण हो तो ऐसा, ऐसा आदर्श जीवन योग से हमारा होगा और ऐसा ही हमें बनना। दोनों हाथों पर श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते, आगे पीछे की मांसपेशियों के लिए हर एंगल से एक्सरसाइज करा रहे हैं। एक तरह का व्यायाम करने से एकांगी व्यायाम होता है, पूरे शरीर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पूरा शरीर हमारा लय में आना चाहिए।
10 अभ्यास हुए। ये आगे पीछे की मांसपेशियों के, हमारे शरीर के लय के लिए, उसकी ट्यूनिंग के लिए 11वां अभ्यास। और इसको तीव्रता से करते हैं, तो ऐसे फिर दोनों हाथ सामने, एक तरफ हाथ उधरी कर ले, दूसरी तरफ पंजे, ऐसे। और अब सूर्य नमस्कार। चंद्रवर के हाथ पीछे और उसी से मुझे मिलावा तेरे गुरु रुखु पर क्यों पीछे क्यों झुकते, फिर श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते। कोशिश करें प्रथम आपकी अंगुलियां और बाद में हथेली यदि जमीन पर टिक जाए तो बहुत अच्छी बात, और माथा घुटनों से लगाए धीरे धीरे करें। पहले और फिर दाहिने पैर के ऊपर बैठ जाए, बाएं पैर पीछे सीधा रहे, दाएं पैर भी पीछे। फिर घुटने जमीन पर, छाती थोड़ी जमीन पर, यही क्रम रहेगा, भूले नहीं। हाँ, प्रत्येक योग के क्रिया की विधि, उसका समय, उसका क्रम और उसमें पूरी तन्मयता, पूरी एकाग्रता, बीच से उठा देते। फिर बाएं पैर आगे, जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से करें, जो मेथड है उसी मेथड से करें, विधि में, क्रम में, समय में और उस क्रिया को करने में जो समर्पण होना चाहिए, पूरी एकाग्रता होनी चाहिए, उसी के अनुरूप योगाभ्यास करें। सांस बाहर छोड़ के आगे झुके, पहले धीरे धीरे करते, फिर अभ्यास के बाद तीव्रता भी आ सकती है। और योगाभ्यास में चाहे वो सूर्य नमस्कार हो या आसन हो या प्राणायाम, उसमें एक धैर्य होता है, एक स्थिरता होती है, उसको हमें टूटने नहीं देना। सामान्य रूप से यही फर्क है, भेद है, डिफरेंस है ये योगाभ्यास और व्यायाम में। व्यायाम तीव्रता से किया जाता है और योगाभ्यास की सारी क्रियाओं में स्थिरता होती है, धैर्य होता है। फिर रहने पर पीछे, फिर आगे झुकते हैं, फिर सामने छोड़ते, फिर भी छोड़ते, फिर बाएं पैर आगे, फिर दाहिना, माथा घुटने से लगाया, फिर ऊपर उठ गए, हाथ पीछे गए, फिर सामने, ऐसे 2 बार से लेकर के 10 बार तक रोज कर सकते हैं।